कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के गिरने के बाद अब भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। एन मौके पर कहीं बाजी ना पलट जाए, इसके लिए बीजेपी ने सरकार गठन का फुल प्रूफ प्लान बनाया है। यही कारण है कि मुंबई में कैंप कर रहे कांग्रेस जेडीएस के बागी विधायक येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। भाजपा के सूत्रों के अनुसार कुमारस्वामी सरकार के विश्वास मत हासिल न करने से बागी विधायक बहुत खुश है। सूत्रों के अनुसार बागियों को वो मिल गया जो वो चाहते थे। उन्होंने कहा कि बागी विधायक बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद ही मुंबई से रवाना होंगे। बागियों ने इससे पहले इनकार किया था कि उनके इस्तीफे और सरकार से समर्थन वापस लेने में बीजेपी की कोई भूमिका है। इस बीच बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी चीफ अमित शाह से मुलाकात कर बातचीत करेंगे, उसके बाद वे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार को बीजेपी ने अपने विधायकों की मीटिंग भी बुलाई है। येदियुरप्पा ने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा कि आपके द्वारा अन्य पार्टी नेताओं और पार्टी से मिले समर्थन के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस जेडीएस सरकार के गिरने के बाद बीजेपी ने कहा कि भ्रष्ट और अवैध गठबंधन सरकार का जाना राज्य के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। बीजेपी जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी की संभावनाओं के बीच पार्टी कर्नाटक के हित में जो भी कुछ होगा उस पर जल्द फैसला करेगी। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव पर 105 के मुकाबले उन्हें 99 वोट ही मिले, जिसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया।